चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सेवन नंबर। यूजिंग इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल डिसीजंस, यूजिंग इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल डिसीजंस। Using interest in financial decisions. जैसे interest का main role क्या है? Interest helps to think whether an investment is worthwhile or not. इंटरेस्ट हेल्प्स टू थिंक वेदर एन इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल और नॉट, करेक्ट? इट हेल्प्स टू रिकवर द फॉलिंग वैल्यू ऑफ मनी। Due to passage of time, it helps to recover the falling value of money due to passage of time. ऐसे एक instance है, example सोचो, T0 में it is 100 rupees, interest rate being 10%, तो T1 में इट विल बी हाउ मच? T1 यानी ईयर वन, एक साल बाद, आफ्टर अ ईयर इट विल बी हाउ मच? 110। एकदम सिंपल बात हो रहा है, मतलब इसका ये है, सो इफ अ प्रोजेक्ट अर्न्स 110 आफ्टर अ ईयर, क्या बोलते हैं, इज इट अर्निंग समथिंग और इट इज नॉट अर्निंग एनीथिंग? हम लोग बोलते हैं अगर एक प्रोजेक्ट जस्ट 110 रुपया ही अर्न किया है तो इट इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, इट इज जस्ट एबल टू मीट इट्स कॉस्ट। फंड का उसका कॉस्ट है कि नहीं है? आप कोई चीज को कॉस्ट टू कॉस्ट बेचोगे तो अर्निंग की है क्या? नहीं। अब ऐसे सोचो, हम कंपनी चलाते हैं, हम फंड लेके आए, उस फंड का कॉस्ट है 10 रुपया, तुम जस्ट 10 रुपया ही अर्न किया, तो बिजनेस में कुछ अर्निंग्स आया? नहीं आया। ये सोच आपको देता है इंटरेस्ट, यू हैव नॉट अर्नड एनीथिंग एक्चुअली, गॉट इट? कॉमा, इट हैज एक्चुअली नॉट अर्नड एनीथिंग। So if a project earns just ₹110 after a year, it has actually not earned anything. ठीक है सर, 10 रुपया तो कमाया ही है, बट 10 रुपया तो कॉस्ट ही था ना, उतना तो कॉस्ट निकालना ही था उसको, तो इसको हम इवेल्युएट कैसे करें कि ये प्रोजेक्ट में कुछ कमाई आया कि नहीं आया, हम इसको इवेल्युएट कैसे करें? हम तो समझ रहे हैं कि कुछ कमाई नहीं आया देखो, बट उसको प्रेजेंट कैसे करें? तो वी कैलकुलेट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पढ़े है ना, इक्वल टू एनपीवी, इक्वल टू, देखो दो तरीका है सोचने का,
एक तरीका आप ऐसा सोच सकते हैं, 100 के बदले 110 कमाना था और 110 कमाया तो कुछ नहीं कमाया, 100 के बदले 110 कमाना था और 110 ही कमाया तो कुछ नहीं कमाया। बट ये सोच हुआ फ्यूचर वैल्यू, 100 के बदले 110 कमाना था और 110 कमाया तो कुछ नहीं बचा। तो ये आप कैसे सोचे, T1 पे जाके सोच रहे। बट हमारा सोचने का तरीका हमेशा रहेगा प्रेजेंट पे आके सोचो, क्योंकि पैसे तो आज ही जाने के। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि प्रेजेंट कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 माइनस जो अमाउंट आप इन्वेस्ट अभी कर रहे हो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालोगे? कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 का 110 रुपया आपका एक साल बाद आ रहा है, उसका प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाई 1.1 होगा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट 10% है। और आज कितना रुपया लगाया? 100। तो नेट में क्या बचा? 0। देखो सोचने का तरीका और कुछ नहीं है। और हम क्या सोच रहे थे, 100 के बदले 110 कमाना, 110 कमाया तो बचा तो कुछ नहीं। बट वो आप फ्यूचर पे जाके सोच रहे थे, फ्यूचर वाला चीज को प्रेजेंट पे ले आइए। 110 डिवाइड बाई 1.1 करने से प्रेजेंट वैल्यू आता है, माइनस अमाउंट इन्वेस्ट 100 किया तो कुछ भी नहीं बचा। एक प्रोजेक्ट को हम तभी करना चाहते हैं जब उससे कुछ सरप्लस आए। सरप्लस एनपीवी मतलब वो अपना कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा बचा पा रहा है। सरप्लस एनपीवी मतलब कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा आप अर्न कर पा रहे हो। एनपीवी पॉजिटिव का क्या मतलब है? हाँ, एनपीवी पॉजिटिव का क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा, अर्निंग्स आर अबव द कॉस्ट ऑफ फंड। और जो कंपनी कॉस्ट ऑफ फंड से ज्यादा कमा पाता है वही वेल्थ जनरेट करता है। द कंपनीज दैट कैन जनरेट पॉजिटिव एनपीवी कैन ओनली क्रिएट वेल्थ, कैन ओनली क्रिएट वेल्थ। देखो जी, आप नौकरी वोकरी पकड़ लिए, महीने का 1 लाख रुपया सैलरी हो गया, और वो पूरा 1 लाख आपका घर का ईएमआई में, गाड़ी का ईएमआई में, घर का राशन पानी में, बच्चों का पढ़ाई में खर्चा हो जाता है। 2-4 हजार रुपया बचाते हैं तो 2-3 महीना बाद कोई ऐसा प्रोग्राम बन जाता है कि वो भी खर्चा हो जाता है। जब ऐसा सिनेरियो से चल रहे हो तो सरप्लस नहीं जनरेट कर पा रहे हो, और सरप्लस जब जनरेट नहीं होगा तो बचत नहीं होगा, बचत नहीं होगा तो वेल्थ कभी नहीं बनेगा। तो एक कंपनी जो अपना कैश फ्लो से सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंड उठा पा रहा है मेहनत करके, और वो कॉस्ट ऑफ फंड तो देना ही होगा ना बाहर वालों को, वो देख के खत्म हो जा रहा है, तो कंपनी कभी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएगा। और जो वेल्थ नहीं जनरेट कर पाएगा वो कंपनी चलेगा नहीं। सिंपल थ्योरी है। एनपीवी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एनपीवी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड आप उससे ज्यादा कमा रहे हो। अच्छा, एनपीवी इक्वल टू जीरो कोई नेगेटिव सिचुएशन है क्या? वो भी तो ठीक है, काम चला हुआ है। एनपीवी नेगेटिव का मतलब क्या है? मतलब कॉस्ट ऑफ फंड आप नहीं उठा पाते हो। सोचो मैं अपना रुपया से बिजनेस कर रहा हूं, मेरा ही 100 रुपया लगा हुआ है, तो मेरे को तो किसी को देना नहीं है। अब मैं अपना रुपया से 100 के बदले 102 रुपया कमा ले रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं मैं पता है मेरा 2 रुपया कमाई होता है, तो कमाई माना जाएगा क्या? एफएम बोलता है कमाई नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपना रुपया से एफडी कर देते तो 8 रुपया मिलता, यहां तो 2 रुपया कमा रहे हो, नुकसान करो 6 रुपया का, तो लॉस वाला बिजनेस है। ये 2 रुपया जस्ट डिफरेंस देख के अट्रैक्ट मत होइए। आप देखिए उस रुपया का कॉस्ट ऑफ फंड क्या है। कॉस्ट ऑफ फंड अगर आपका बिजनेस उठा पा रहा है तो आप इनडिफरेंट हो, उससे ज्यादा ला पा रहा है आपका बिजनेस तो आप कुछ कमा रहे हो। इसीलिए इंटरेस्ट का महत्व है, नॉट ओनली वाइल प्रोक्योरिंग द मनी बट ऑल्सो वाइल थिंकिंग ऑफ वेदर वी शुड इन्वेस्ट दिस मनी हियर और देयर, राइट? इंटरेस्ट का महत्व बता रहे।
नेक्स्ट लिखिए 7 नंबर पॉइंट, 7 है ना, 8 नंबर पॉइंट, कैलकुलेशंस ऑफ फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, जिसमें मैं एक नया चीज सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब यहां से मेरा जो पढ़ाई चालू हो रहा है वो सिर्फ कैलकुलेशन ओरिएंटेड हो रहा है। मेरा काम है यहां पे आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखा देना, जिससे आपका जब मेन स्ट्रीम चैप्टर चालू हो उधर कैलकुलेशन को लेके हम लोग काम कम करें, हम लोग कॉन्सेप्ट को लेके काम ज्यादा करें। कैलकुलेशन आपको यहां से ही सीखने को मिल जाएगा। जैसे ये टर्म इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कब यूज करेंगे, ये टर्म इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारे यहां पे इंटरेस्ट रेट जो दिया है वो एनुअल है, लेकिन उसका कंपाउंडिंग अदर देन एनुअल हो रहा है। सर ये क्या हुआ, कंपाउंडिंग अदर देन एनुअल? लिखिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड व्हेन कंपाउंडिंग is done other than annual basis. Effective rate of interest is computed when compounding is done other than annual basis. Effective rate of interest is computed when compounding is done other than annual basis. जैसे ब्याज का रूल क्या है ना, देखो, यानी वही एक्स्ट्रा चार्ज का, अगर ईयर जीरो में मैं आपसे 100 रुपया लिया, आप बोलते इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, तो मेरे माइंड में क्या आता है कि अच्छा तो साल के एंड में आपको 110 देना है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, तो 6 महीने बाद आके 6 महीने का ब्याज दे दीजिएगा। 6 महीने बाद आके 6 महीने का ब्याज दीजिएगा, फिर बाकी का ब्याज लास्ट में दीजिएगा और ओरिजिनल अमाउंट दे दीजिएगा। सर ऐसा कोई क्यों करता है, ये सब सिस्टम क्यों बनाता है? हमको रिस्क लगता है तो हम करेंगे। आप पैसे देने वाले हो और आपको रिस्क लगता है, या आपका भी सोचे ना, उस इंटरेस्ट से अपना घर चलता है भाई, आप साल भर घर कैसे चलाओगे? 100 रुपया नहीं है, आप सोचो ना 1 करोड़ रुपया है, तो आपको भी तो अपना काम चलाना है उस इंटरेस्ट से, तो आप थोड़ी रुकोगे 1 साल तक पूरा 1 रुपया एक साथ लेने के लिए। आप बोलेंगे हमको भी तो अपना काम चलाना है, 6-6 महीना में दो, लॉजिकल है। और मैं बोलता हूं अगर मैं नहीं दिया तो, यहां पे आके नहीं दिया तो, मैं बोलता हूं नहीं दिया तो सुनिए, फिर यहां पे अमाउंट हो जाएगा 105 आपके नाम पे, लोन चढ़ जाएगा 105 का। अभी तो लोन आप 100 रुपये का लेके गए, 6 महीने बाद 5 रुपया देने का बनता है, नहीं दिए तो लोन बन जाएगा 105 का, मतलब तो उसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज पे ब्याज। जी ब्याज पे ब्याज, आपने दिया नहीं, ब्याज पे ब्याज दीजिए, समझ में आ रहा है? तो 105 पे, जैसे 6 महीने का 5% होगा, तो यहां पे फिर 5% होगा, तो 105 पे 5% जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 110.25 आ रहा है क्या? नहीं जुड़ेंगे, कैलकुलेटर नहीं चलाएंगे, 105 प्लस 5%। और देखिए आप लोग ये सब छोटा छोटा चीज में अगर कैलकुलेटर चलाएंगे तो फाइनेंस में बड़ा दिक्कत आएगा, पहले ही बता दे रहे। फाइनेंस में मुंह जवानी कैलकुलेशन चलता है भैया, रियल वर्ल्ड में स्टॉक मार्केट में जो आदमी बैठा होता है ना, वो सौदा देख रहा होता है, सौदा माने समझ रहे क्या, कोई बेसिकली स्टॉक है, उसका कोई भाव है, उसका कोई रेट है, रेट पे लिखा हुआ है कि इतना यूनिट्स खरीदना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं होता है कि कैलकुलेटर निकालेगा, पेपर निकालेगा और कैलकुलेशन करेगा कि हम इसमें कितना कमा लेगा, इतना समय नहीं होता है। स्क्रीन पे देखते देखते माइंड में सोचना पड़ता है कि मेरे को इसमें फायदा होगा कि नुकसान होगा और कितना रुपए का फायदा होगा,
माइंड कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब आप एफएम के वर्ल्ड में आगे जाते हो। अगर फाइनेंस में कुछ सोचते हो, कुछ अच्छा स्कोर करने का या अच्छा करियर बनाने का, तो माइंड में कैलकुलेशन करिए। 100 पे 5% 105 होता है, 105 पे 5% कैसे जोड़ेंगे? पहले 5 पे 5% 5 5 25, 5 पे 5% 25 पैसा होता है। फिर 100 पे 5, 5 रुपया 5 रुपया 25 पैसा जोड़ दिया, 110.25, 100 रुपया कितना बन गया? 110.25। अगर मैं मंथली सॉरी हाफ ईयरली पेमेंट नहीं किया तो ठीक, तो बेसिकली बेसिकली मैं 100 के बदले 110.25 अदा कर रहा हूं, मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? बोला तो था ये लोग 10%, बट जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो हो जा रहा है 10.25%। जो मैं पेमेंट कर रहा हूं वो हो जा रहा है 10.25%। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कब लागू होता है? जब अदर देन एनुअल हो। अदर देन एनुअल माने सेमी सेमी एनुअल हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ठीक है, मंथली हो सकता है, और एक डेली। डेली नहीं, ओके, हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस हो सकता है। सर कंटिन्यूअस नहीं समझ में आया, समझाएंगे ना। कंटिन्यूअस मतलब हर क्षण, एवरी मोमेंट। अरे मतलब क्या हुआ? अभी पैसा लिया, हर मोमेंट आपको ब्याज देते रहेंगे क्या? मत दीजिए, जोड़ते रहेंगे, मत दीजिए, जोड़ते रहेंगे। हम थोड़ी बोल रहे 6 महीना बाद आके दीजिए, नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ब्याज पे ब्याज, तो हर क्षण का ब्याज आप लेते रहेंगे। क्षण का एक एक क्षण बीता, उसका ब्याज जो आप नहीं दिए, तो फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज, फिर उसके ऊपर ब्याज। जी हाँ, छोड़ेंगे नहीं आपको, मांगेंगे भी नहीं, कितना हर क्षण का ब्याज देते चलो। बट उसका एक अमाउंट निकालना मुमकिन है, वो मुमकिन कैसे है वो यहां पर सीखेंगे, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, सोचो आई इज इक्वल टू 12% पर एनम। आई माने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें तीनों फैक्टर एडजस्टेड होगा, ओके। आपको करना क्या है, ये एग्जाम्पल वन है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल वन मार्क करके रखना। फाइंड करना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड करो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। नंबर ए, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पे, नंबर बी क्वार्टरली पे, नंबर सी मंथली पे, नंबर डी कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ओके, ये सब कैलकुलेशन इतना यूज होता है आपके सिलेबस में, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब कैलकुलेशन का क्लिप आपको मिल जाएगा, क्योंकि कभी भी एसएफएम रिवाइज करते करते ऐसा होगा कि आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा कैलकुलेशन वगैरह, तो ये क्लिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगे बाद में, ओके। तो पहला मैं आपको सिखा रहा हूं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। देखिए, आप ऐसे ड्राइंग बना बना के करना बहुत मुश्किल है, जो ऊपर मैं बनाया था टाइमलाइन बना बना के। इसमें हम लोग ऐसे सोचेंगे, पीरियड मान लो, सब में अज्यूम करो पीरियड 1 साल ही है। इफेक्टिव का वर्किंग 1 साल का पीरियड से ही हो जाता है। पीरियड अज्यूम कर लो आप 1 ईयर है, ओके। अब 1 साल का पीरियड को लेके चल रहे हैं और उसमें सोच रहे हैं कि अगर मेरा आज का 100 रुपया होता तो वो कितना बन जाता, या आज का 1 रुपया ही होता तो वो कितना बन जाता 1 साल बाद। सोचो हम लोग ही फंड दिए हैं, 1 रुपया कितना रुपया बन के आएगा। तो रूल क्या है, इक्वेशन क्या है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू
1 plus r to the power k. Now r में फर्क क्या हुआ, what is this r? R माने आप बोलोगे rate of interest of the period of compounding. It is not the rate of interest per annum, not per annum. ठीक है, you can say it is equal to I by K. I by K. तो K क्या है? K is number of compounding in a year. Number of compounding in a year. What is K? Number of compounding in a year. K is number of compounding in a year. R क्या है और K क्या है? ये इक्वेशन यूज करने से हमारा काम फटाफट होगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग नॉट पर एनम, इट इज इक्वल टू आई बाई के. जैसे कि यहां पे बोलना ये चाह रहा हूं, जैसे मुझे निकालना है पहले इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ध्यान से सीखना, पहले फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा. वन है मेरा प्रेजेंट वैल्यू, आज एक रुपया हुआ, इंटू वन प्लस आर, मतलब जो 12% है वो नहीं, 12% साल में कितना बार देना है मेरे को? दो बार. तो एक पीरियड का कितना हुआ? 6% होगा. साल में दो बार मिला के 12 अगर है, तो पीरियोडिक अगर करेंगे तो क्या हुआ? पीरियोडिक दो बार हुआ. और K का मतलब वही है, कितना नंबर ऑफ कंपाउंडिंग होगा. 6 महीना है तो दो बार कंपाउंडिंग होगा. सो वी विल से 0.12 by 2. ठीक है, पीरियोडिक रेट. R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीरियड ऑफ कंपाउंडिंग. तो 12% है तो 6 महीना का पीरियड होने के कारण 6% माना जाएगा. और पावर में K, K यानी कितना बार कंपाउंडिंग होगा? दो बार. K का मतलब है 2. इसको सॉल्व करो, 1.06 के पावर में 2. क्या करोगे इसको, कैलकुलेट कैसे करोगे? 1.06 इंटू इक्वल टू करो, 1.06 इंटू इक्वल टू कितना है? 1.1236. तो एक रुपया बन गया कितना? एक रुपया कितना बन गया? 1.1236 बन गया. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 1.1236 माइनस 1 by 1, इट इज इक्वल टू 0.1236, यानी कि 12.36%. समझ में आया? बी नंबर क्वार्टरली में करिए. क्वार्टरली यानी साल में कितना बार हुआ? 4 बार. तो 12% अगर एक साल का है तो क्वार्टरली रेट क्या हो जाएगा? क्वार्टरली रेट हो जाएगा. अब ये सब कैलकुलेटर में नहीं चाहिए मेरे को. अरे देखो, ये सब हिसाब सीखो. 12% साल का है तो महीने का 1 टका हुआ है. टका बोलते हैं हम लोग, टका, 1 टका 2 टका, बट टका टका अच्छा नहीं लगेगा हम लोग का जवान से. ठीक है, तो 12% है तो महीने का 1% हुआ, परसेंट बोलेंगे, तो क्वार्टर का 3 हुआ कि 4? क्वार्टर तो 4 ही होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, तो महीने का 1% तो 3 महीने का 1 क्वार्टर है, तो क्वार्टर का 3%. तो क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर के पावर में के.
यानी एक इंटू वन प्लस आर होगा 0.12 बाई 4 की 3, 4 पावर में 4। अब पावर में 4 कैसे निकालोगे? 1.03 टाइप करिए, मेरे से सीखिए। 1.03 इंटू इक्वल टू 2 हो गया, फिर इंटू इक्वल टू 4, 2 का सीधा 4 करिए। 1.03 इंटू इक्वल टू फिर इंटू इक्वल टू कितना आया? 1.1255, सो इट इज 12.55%। 12.55%। सी नंबर क्वार्टरली के बाद मंथली देख रहे हैं, जैसे जैसे पीरियड ज्यादा टूट रहा है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ इफेक्टिव रेट बढ़ रहा है, ये नोटिस कर रहे हैं ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज का क्यूमुलेशन ज्यादा होता जा रहा है। यहां पे क्या होगा, 1 × 1+। अब ये सब डायरेक्ट कर पाए तो मैं मानूंगा आप में कुछ कैलिबर आ रहा है। अब ये इतना लिख लिख के करते 0.12/4, 0.12/12, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना 0.01। 1% में 0.1 लेना है कि 0.01 लेना है, इसमें भी कंफ्यूजन है, तो ये सब में एक एक्यूरेसी लाइए। 0.01 के पावर में 12, पावर में 12 कैसे करेंगे सर? 1.01 इंटू इक्वल टू किया, इंटू इक्वल टू किया फिर इक्वल टू 3, अब 3 गिनोगा फिर 4 इक्वल टू फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 कितना है? फिर से करो मिटाओ उसको। 1.01 इंटू इक्वल टू से 2 हुआ, अब इक्वल टू 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 10 11 12 1.1268 यानी 12.68%। अब देखिए कुछ लोगों का कैलकुलेटर में ऐसे इक्वल टू करके होता नहीं है, ऐसा है कोई का कैलकुलेटर? कुछ लोगों का कैलकुलेटर में नहीं होता है, नया कोई केशो का मॉडल आ गया है उसमें इक्वल टू दबाने से आंसर चेंज नहीं होता है, तो उन लोगों का सिस्टम क्या है, जैसे उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1.01 आप इंटू इक्वल टू करिए, देखिए आंसर आ गया, फिर इक्वल टू करिए, आंसर चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग का जो नॉर्मल कैलकुलेटर है उसमें आंसर चेंज होता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर SFM के लिए कोई कैलकुलेटर खरीदो तो नॉर्मल वाला खरीदो, दुकान में जाएगा बोले कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर लेके टेस्टिंग करेगा, क्या टेस्टिंग करेगा, 1.01 इंटू इक्वल टू कर करके आंसर चेंज हो रहा है तो कैलकुलेटर ज्यादा काम का है, आंसर चेंज नहीं हो रहा है तो हेडेक है। एक्चुअली क्या हुआ, केशो का बहुत सारा कॉपी कैलकुलेटर आ गया, तो केशो ने अपना टेक्नोलॉजी चेंज किया कि मेरा कॉपी आप लोग नहीं ले सकते, तो असली जो आ रहा है वो टेक्निकल हो गया ज्यादा, बट आप बोलिएगा हमको असली नहीं चाहिए, हमको चाइना माल चाहिए, नकली वाला दीजिए, मेरा हेडेक कम है उसमें। ये 500-700 रुपये का आ रहा है, वो 100 रुपये का आता है, तो 100 रुपया ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ऑफिस में रख दीजिए, घर पे रख दीजिए, एक बैग में रखिए, लेकिन कैलकुलेटर में हेडेक कम होना चाहिए। अब एनीवेज जो ये खरीद के रखे हैं उनको एक बार बता देते हैं, क्या होता ना आदमी बनिया है वो इतना जल्दी जो पैसा लग गया उसको तो छोड़ेगा नहीं, वेस्ट करेगा नहीं। तो 1.01 दो बार इंटू दबाओगे, दो बार इंटू दबाने से यहाँ पे के लिखा हुआ आता है, के लिखा हुआ आता है, फिर आप इक्वल टू दबाओगे तो आंसर चेंज होने लगेगा। तो ये अभी दो बार हो गया है, 1.0201 0 to 01 से दूसरी बार हुआ, फिर इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 1.1268 आ रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का भी एक परचेज करने का तरीका है, तो जब कैलकुलेटर खरीदें दुकान में जाके पहले टेस्टिंग करेंगे, 1.01 इंटू इक्वल टू
इक्वल टू से आंसर चेंज हो रहा है तो वो ले लेना, नहीं तो मत लेना। और ये भी देखिएगा, कैलकुलेटर में रूट बटन होना चाहिए, जीटी बटन होना चाहिए। कुछ कैलकुलेटर में रूट बटन नहीं होता है या जीटी बटन नहीं होता है, तो कैलकुलेटर बस ऐसे नहीं अंधाधुंध गया भैया कैलकुलेटर दे दीजिए अच्छा वाला लेके आ गया, ऐसा नहीं हो। कैलकुलेटर में आपका यूटिलिटी के लिए तीन टेस्ट है, रूट बटन, जीटी बटन और एक 1.01 इंटू इक्वल टू खच खच आंसर चेंज हो रहा है, ले आएगा उसको। नेक्स्ट मंथली तक हो गया, नाउ आ रहा है डी नंबर। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि रुपया का ब्याज हर क्षण अदा करना है। आज हम रुपया लेके आए ओके, और अगर मुझे 2 मिनट बाद ही वापस करना हो तो मुझे कुछ ब्याज दे के करना पड़ेगा। 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद भी कुछ ब्याज दे के अदा करना होगा, 1 सेकंड बाद भी कुछ ब्याज दे के अदा करना होगा, ऐसा सोच रहे हैं। अब इतना पॉसिबल नहीं है, देंगे 1 साल बाद ही, हम बोलेंगे जोड़ लो ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज। इतना कोई 1-1 सेकंड का ब्याज देते रहेंगे तो रुपए का कीमत हम कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे जोड़ लो। अब वो जोड़ने का तरीका क्या है, इसका इक्वेशन है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई टू द पावर आर टी, ई टू द पावर आर टी। व्हाट इज ई? ई एक ऐसा वैल्यू है जिसका आंसर है 2.71828, ये याद रखना पड़ेगा 2.71828। और आर आपका इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, ठीक है, पीरियोडिक नहीं है। और टी माने टाइम पीरियड इन ईयर्स एट द एंड ऑफ विच फ्यूचर वैल्यू इज रिक्वायर्ड। एट द एंड ऑफ विच फ्यूचर वैल्यू इज रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम चाहते हैं कि हर क्षण का ब्याज जोड़ जोड़ के 1 साल बाद अमाउंट हमें जानना है, तो टी विल बी 1 ईयर और आर विल बी 0.12 जो 1 साल का है, तो ऊपर में क्या आएगा 0.12 × 1। अगर हम चाहते हैं हम ये जाने कि हर क्षण का ब्याज जोड़ जोड़ के 6 महीना बाद अमाउंट क्या आएगा, तो आर होगा 0.12 और टी होगा 1/2, टी होगा हाफ ईयर 0.5 ईयर। तो बेसिकली ऊपर में क्या आया 0.12 × 1/2 किया तो 0.06 आया। तो बेसिकली आर टी टुगेदर क्या इंडिकेट कर रहे हैं? पीरियोडिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे क्या? अगर मुझे जानना है कि हर क्षण का ब्याज जोड़ जोड़ के 21 दिन बाद कितना रुपया होगा, 21 दिन बाद, तो हम कैसे लेंगे 0.12 × 21/2। सर ऐसे कौन करता है ऐसे चिंदी चिंदी काम, हर क्षण का ब्याज, उसके ऊपर ब्याज, उसके ऊपर ब्याज? बैंक करते हैं ना, बादशाह, बैंक फाइनेंस की दुनिया का बादशाह, माफिया से भी ऊंचा आप समझ लीजिए, ऐसा बादशाह जिसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता एक्सेप्ट माल्या। वो लोग भाग जाते ले लेके, बोले तुम जोड़ते रहे छंड छंड पे ब्याज, हम चला लंदन, देख लेंगे जो होगा। तो वो अलग चीज है, लेकिन वो लोग का कैलकुलेशन का सोच क्या है, सोच क्या है हमेशा कि ब्याज पे ब्याज हर क्षण पे चाहिए। अब जैसे आपको ये पता ना इंटर बैंक बोरोइंग होता है, ये मालूम है? एक बैंक में रुपया कम पड़ गया, अब कहां से लाया अचानक से, दूसरा बैंक से लाएगा, तो दूसरा बैंक को बोलेगा भाई पैसा दे, कितना दिन के लिए, बोला 9 दिन के लिए, 9 डेज बाद लौटा देगा, तो 9 दिन का ब्याज होगा कि नहीं होगा?
तो वो 9 दिन का ब्याज कैसे कैलकुलेट करेगा, ऐसे क्षण क्षण भर का ब्याज, ठीक है? क्योंकि मोमेंट रुपया उसके यहां से निकल के आपके यहां आ गया है, तो आपको तो ब्याज भरना ही होगा उसका। मोमेंट मोमेंट का ब्याज है, मतलब रुपया का कीमत इतना जल्दी आपको रिकवर करना है, वरना आप नुकसान कर जाएंगे। दिस इज द आइडिया। तो इसको कैलकुलेशन अभी हम कैसे बैठाएं, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 रुपया प्रेजेंट वैल्यू है, ई का वैल्यू 2.71828 है, और आर में मेरा सोचो 0.12 के पावर में 1 है, यानी क्या हुआ, 2.71828 के पावर में 0.12 को सॉल्व करना है। बाप रे बाप, ये कैसे सॉल्व होगा, 2.71828 के पावर में 0.12? सर पावर देखिए तो सही, पावर में 2 नहीं है, पावर में 4 नहीं है, 3 नहीं है, पावर इतना डर्टी है। तो ठीक है, इसका नाम रख देते हैं, कॉन्सेप्ट का नाम है डर्टी पावर, सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, सिंपल कैलकुलेटर, डर्टी पावर सिंपल कैलकुलेटर। अब इसको क्रैक कैसे करेंगे, एक निंजा ट्रिक है, निंजा ट्रिक का नाम है ट्रिक नंबर 786, कुली नंबर नहीं, निंजा ट्रिक नंबर 786। इसको अप्लाई करने का स्टेप्स है, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स स्टेप्स सीखेंगे। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, जो मेन नंबर है उसको ले लीजिए, मेन नंबर क्या है, जो ओरिजिनल नंबर है वो लीजिए ना, 2.71828, कैलकुलेटर में लीजिए उसको 2.71828। टू पॉइंट सेवन वन एट टू एट, ठीक। फिर इस नंबर का 12 बार रूट करेंगे, रूट रूट बटन 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फिर -1 करेंगे, -1 इक्वल टू, जा ये तो एरर फेंक दिया, इसको यूज करने का कोई और ट्रिक है, मतलब तो फिर हम करें 12 बार, इससे अच्छा नहीं करेंगे। पहली बार ट्राई किए कि इससे कुछ होता है, बेइज्जती करा दिए। चलिए इसको छोड़ दीजिए, आप अपने आप करिए। 2.71828 का 12 बार रूट किया, -1 किया, ठीक। फिर जो डर्टी पावर है उससे आंसर को मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई बाय डर्टी पावर, क्या करना है, इनटू इनटू क्या करना है आपको, 0.12 इक्वल टू क्या, क्या आंसर आया, 0.40293। फिर +1 करिए, +1 इक्वल टू क्या, फिर पांच नंबर इनटू इक्वल टू, यानी कि बेसिकली बोलना चाह रहे हैं स्क्वायर करिए 12 बार, स्क्वायर इट 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू, खाली इक्वल टू नहीं, इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू,
12 टाइम्स जाएगा, कितना है 1.1275, आंसर आ रहा है 1.1275, यानी आप कंक्लूड करोगे कि जो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है 12.75%। सर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में नहीं आया, आप बोलते गए ये करते जाओ हम करते गए। अब ये क्या सच है क्या झूठ है क्या मालूम, आप बोलते 12 बार नहीं दबा के 14 बार दबाओ हम दबा देते, कुछ तो आंसर आता ही। अब माइनस वन नहीं करा के 1.5 माइनस कराते, कुछ तो आंसर आता ही। थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा भैया। आप सीधा सिद्धाचार्य फॉर्मूला को आप क्वेश्चन करते हैं क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर को क्वेश्चन करते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम को क्वेश्चन करते हैं क्या? ना उतना माथा लगाने से नहीं होगा, ठीक है। बाइबल में एक लाइन लिखा हुआ है, उसको अच्छे से जीवन में उतार लीजिए। आवर्स इज नॉट टू नो व्हाई, जहां जरूरत है वहां पता करेंगे। आवर्स इज नॉट टू नो व्हाई, आवर्स इज टू डू और डाई, या तो करो या तो मरो, ज्यादा क्यों क्यों मत करो, ठीक है। कुछ चीज पे हमारा बस नहीं है। अब इसमें बस एक रफ चेक जरूर है कि जो आंसर आना था वो मंथली से ज्यादा आना था। मतलब ये बात है कि ऐसे भी सोचो, हर क्षण का रुपया जोड़ जोड़ के भी कौन सा बहुत तीर मार लिया। यहां पे मंथली में क्या आया था, 12.6 सेट आया था, यहां पे क्या आ गया 12.75 आ गया। ऐसे देखे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अगर यहीं पे 100 करोड़ रुपया इन्वॉल्व है तो बहुत फर्क है कि नहीं। बैंकों में तो ऐसे ही ट्रांजैक्शन चलता है ना, तो लोग क्यों छोड़ेगा इतना 0.07% का ब्याज क्यों छोड़ेगा 100 करोड़ पे, उनके लिए तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, वो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपका बैंक स्टेटमेंट में 10-10 पैसा 11 पैसा 6 पैसा 8 पैसा चार्ज करके रखते हैं, छोड़ते हैं क्या वो? कभी नहीं छोड़ते। देखो इसको याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, एक कहानी बनाते हैं। कोई भी नंबर को पसंद नहीं कि कोई आके उसको पावर दिखाए। आजकल का बच्चा लोगों को कोई पसंद है, कोई पावर दिखाएगा, कोई पसंद है, कोई नहीं। तो नंबर को भी पसंद नहीं है कोई हमको आके पावर दिखाए। तो जब कोई उसको ऊपर से डर्टी पावर दिखाता है तो ये क्या करता है, देखिए वो नंबर, जो नंबर आके हमें डर्टी पावर दिखा रहा है, ध्यान दीजिए 2.71828 हमें आके डर्टी पावर दिखा रहा है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। जो हमें डर्टी पावर दिखाएगा हम उसका पिटाई शुरू करेंगे। पिटाई करेंगे मतलब उसका नंबर का वैल्यू को कम करेंगे। नंबर का वैल्यू कम करने का तरीका होता है डिवाइड करो या रूट करो या माइनस करो। नंबर को छोटा करने का तरीका क्या, माइनस करो, डिवाइड करो, रूट करो। तो हमें लगा सबसे बेस्ट है रूट करते हैं। रूट करने से जल्दी छोटा होता है, तो नंबर को छोटा करने का कितना बार, 12 बार। 12 बार एक सीक्वेंस बनाया, ये सब वैदिक मैथमेटिक्स से डिराइव हुआ हुआ है, ठीक है। वैदिक मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन डिराइव किया है। 12 बार आप इसको रूट करिए तो नंबर बहुत छोटा हो जाता है। इन जनरल जितना भी नंबर होता है वो 1 के टर्म्स में आ जाता है, फिर उससे उसका 1 छीन लीजिए, बोले ला तेरा 1 भी दे दे मेरे को, तेरे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अब दिखा तेरा पावर कौन सा था, ले क्या तेरा पावर, तेरे को ही वो पावर का मजा चखाते हैं, उसी को ही उसका पावर का मजा चखाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी के उससे डर्टी पावर से। फिर उससे पूछिए आज के बाद दिखाएगा पावर, वो बोलेगा नहीं, तो पक्का आज के बाद पावर नहीं, तो नहीं दिखाएंगे, माफ कर दीजिए, चलो वापस, वापस लेके चलिए, जो उसका 1 लिया था 1 लौटा दीजिए, और जो उसका 12 बार रूट किया था उसको स्क्वायर करके उसको वापस सब लौटा के आ जाइए, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक। कहानी की तरह याद रखिए। अब ई वाला जो कैलकुलेशन है उसको करने का एक और तरीका है, ऑल्टरनेटिव, थोड़ा शॉर्टकट है उसको करने का, बट उसमें स्टेप्स का थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है याद रखने का। स्टेप्स कम है बट याद रखने का बर्डन है। जैसे ये तो इतना कॉमनली यूज्ड है डर्टी पावर वाला कि कई लोग सीपीटी में भी पढ़े होते हैं, कई लोग इंटर में भी थोड़ा बहुत कभी देख लेते हैं, जैसे हमारे इंटर के स्टूडेंट्स एफएम के देख ही लेते हैं, और कॉस्टिंग की क्लास किए हुए तो आप उसमें भी देखे ही होंगे मेरे साथ, हम लोग लर्निंग कर्व चैप्टर में इसको यूज किया करते हैं।
तो अभी ऑल्टरनेटिव जब आ रहा है तो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन ऐसा है कि स्टेप वन, जो भी डर्टी पावर है सीधा उसी को पकड़िए और उसको एक सीक्रेट कोड है उससे डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाय 4096, 4096 से डिवाइड मार दीजिए। सर ये क्या, एक ओटीपी है समझो, वन टाइम पासवर्ड, 4096 पासवर्ड है, उससे डिवाइड करिए। ओके, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका यहां से यहां तक का स्टेप्स हो गया, 1 2 3 हो गया। वन में क्या किया, स्क्वायर रूट किया 12 टाइम्स, टू में माइनस वन किया, थ्री में मल्टीप्लाई बाई पावर किया, यहां तक का काम हो गया बस इतना सा करने से। उसके बाद जो दो स्टेप है वो नॉर्मल है, प्लस वन करिए और तीसरा है इनटू इक्वल टू 12 बार करिए। देखिए वही आंसर आ रहा है क्या, यानी आपको क्या करना है, 0.12 को आप डिवाइड बाई 4096 करके प्लस वन और स्क्वायर करिए 12 टाइम्स, करिए करिए, 0.12 डिवाइड बाय 4096 प्लस वन इक्वल टू इनटू इक्वल टू दो ए, दो एक बार हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। सर कैसे आया थोड़ा समझाइए तो सही, ये कैसे वो और ये सेम है। देखो ये वाला चीज आप तभी यूज करोगे जब ई इन्वॉल्व है, वेन ई इज इन्वॉल्व, ठीक है। ई का वैल्यू तो फिक्स्ड ही है ना, 2.71828। और यहां पे देखो ये वाला चीज को छोड़ के आप तो ई पे ही काम कर रहे थे, तो 2.71828 का 12 बार रूट करो, एक बार वापस से 12 बार रूट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया, फिर माइनस वन करो, इक्वल टू करो, रुको, इक्वल टू करके रुक जाओ, ठीक है। अब इक्वल टू करके रुक जाओ, अब मैं आपको ये तीन से वो कैसे मैं डिराइव किया वो आपको समझा दे रहा हूं। अब यहां पे करना क्या है, सोचो ये रिजल्ट जो आ रहा है एक्स, सोचो आपको करना क्या है, जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई डर्टी पावर कर रहे हैं, यानी आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया अभी तक जिस जो कैलकुलेटर में भी आपका 0.0024417026 तो वो आया एक्स। ओके, एक्स इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय डर्टी पावर, राइट। अभी ये एक्स का वैल्यू बड़ा गंदा सा है, 0.0024417026। ओके, अब मैं इसको याद रखने बोलता तो आपको बड़ा हेडेक लगेगा, अरे ये कैसे याद रखा जाए। मतलब मैं चाहता तो यहां पे स्टेप वन में जो मैं लिखा ना डर्टी पावर डिवाइड बाय 4096, उसके जगह मैं बोल सकता था जो आंसर आया है वो 0.0024417026 को याद रखो इनटू डर्टी पावर करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, आपका स्टेप्स क्या बोल रहा था, मल्टीप्लाई बाय डर्टी पावर बोल रहा था ना। सोचो यहां तक रिजल्ट आ रहा है एक्स जो आपका कैलकुलेटर में भी है, फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस वन और स्क्वायरिंग करना है। तो वैसे यहां पर एक्स का आंसर ये आ रहा है जो 2.71828 के कारण आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा ये आंसर, ई इन्वॉल्व होने से हमेशा यही आएगा इनटू डर्टी पावर। तो ऐसे भी एक स्टेप बनता है, कई बार ऐसे भी पढ़ाते हैं, बोलते हैं ये एक फोन नंबर है इसको याद कर लो, सोचो गर्लफ्रेंड का फोन नंबर है याद करो इसको, 2441-7026। गर्लफ्रेंड सोचो, गर्ल सोचो बॉयफ्रेंड का फोन नंबर है याद रखो इसको, लैंडलाइन नंबर है 2441-7026। तो इससे भी याद हो जाता है, ऐसा नहीं है सम नहीं कर पाते बच्चे, सम कर लेते जैसे उनको ट्रेनिंग देंगे वैसा सम कर लेंगे। मैंने क्या किया, इसको और छोटा किया, ओटीपी बनाया 4 डिजिट का और इसका वैल्यू बोला आपको इट इज 1/4096। रुको कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना, इनटू डर्टी पावर, डर्टी पावर इनटू रिजल्ट करना है। स्टेप्स क्या था, मल्टीप्लाई बाय डर्टी पावर, तो मल्टीप्लाई बाय डर्टी पावर है बट किस किस से मल्टीप्लाई करना है डर्टी पावर को, इस नंबर से। अब ये नंबर याद रखना टफ है इसलिए इसका शॉर्टकट है 1/4096। आप एक काम करिए जो आंसर आया उसका रेसिप्रोकल लीजिए, डिवाइड इक्वल टू करिए, डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू करने से उल्टा हो जाता है, डिवाइड इक्वल टू,
देखिए तो 4096 आया क्या? हाँ, तो वन और एक बार करिए फ्रेश करके, वन डिवाइड बाय 4096 करिए, देखिए यही आ रहा है क्या? अप्रोक्स अप्रोक्स मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, यही आ रहा है ना, थोड़ा सा एक दो नंबर का फर्क है, समझ में आ रहा है? तो उसका ही शॉर्टकट बना दिया दोस्त कि ई जब इन्वॉल्व है तो ई को लेके मुझे हर बार तो 12 बार रूट करना ही है, हर बार माइनस वन करना ही है, तो उससे जो आंसर आ रहा है वो एक लैंडलाइन नंबर आ रहा है, वो उसमें भी डेसिमल जुड़ा हुआ है, तो वो डेसिमल का प्लेसमेंट अगर गड़बड़ हो गया तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, तो उसको छोटा कर देते हैं, उसको रिवर्स जब ले जाते हैं तो वो होल नंबर में आ गया 1 डिवाइड बाई 4096 इनटू डर्टी पावर, तो इसलिए स्टेप क्या बन गया, डर्टी पावर डिवाइड बाई 4096, उससे आप आंसर निकाल दीजिए। तो एग्जाम में सिर्फ सम बनाना आने से नहीं होगा, सम फास्ट बना पाए ये भी ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए सारा ट्रिक्स याद रखना है, किस सम में कहां पे यूज होगा हम नहीं जानते, गॉट इट? एग्जाम्पल ये वन था, एग्जाम्पल टू करा रहे हैं आपको, सोचो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.155% और क्वार्टरली कंपाउंडिंग से आया है, आपको फाइंड करना है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, बता सकते हैं? नॉमिनल से इफेक्टिव निकालना सीखा, अब इफेक्टिव से नॉमिनल बताना है, भूलिया आंसर बताइए। अच्छा एक कॉमन सेंस बताओ, जो आंसर आएगा वो 12.155 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? ज्यादा आएगा कि कम आएगा? कम आएगा, ये ठीक है। ना 10.78 रॉन्ग है।
मैं बताऊं, देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालने का तरीका क्या है, अभी तक जो कर रहे थे आप वन प्लस क्या कर रहे थे याद करो, प्रेजेंट वैल्यू तो एक रुपए था उसको छोड़ दो, इंटू क्या कर रहे थे वन प्लस आई बाई के पावर में के और लास्ट में माइनस वन कर रहे थे कि नहीं। तो ये एक फॉर्मूला जैसा आप बना सकते हो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। ये तभी यूज करना जब आपका कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होने पे ऐसे नहीं चला सकते, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं बना पा रहे। ठीक है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होने से फॉर्मूला अलग हो जाएगा ना, यहां पे उसके जगह क्या हो जाएगा फिर e टू दी पावर आर टी माइनस वन करना पड़ेगा, है ना। ये तो किया था आप, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल ई टू दी पावर आर टी निकाला और फिर उसमें माइनस वन कर लिया 12.75, याद है ना। अब इसमें वैल्यू बैठा लो आप 0.12155 इज इक्वल टू वन प्लस आई निकालना है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो बाई फोर पावर में फोर माइनस वन, वन प्लस आई बाई फोर पावर में फोर माइनस वन। ठीक है, तो इसको इधर डाल दो 1.12155 इज इक्वल टू वन प्लस आई बाई फोर के पावर में फोर, पावर में फोर को हटाने का क्या उपाय है, 1.12155 के पावर में वन बाई फोर होगा। अरे हाँ ना, तो बोलिए पावर में वन बाई फोर कैसे करोगे, दो बार रूट। अब इसमें डर्टी पावर क्लिक कराने का जरूरत नहीं है, अगर वन बाई थ्री होता तो डर्टी पावर से करना पड़ता, वन बाई टेन होता तो डर्टी पावर से करना पड़ता। तो वन प्लस आई बाई फोर इज इक्वल टू, इसका दो बार रूट करिए, दिस इज कमिंग 1.3 आ रहा है 2999 ऐसा दिख रहा है क्या, आया क्या। तो i by 4 इज इक्वल टू 0.03 हो जाएगा, 1 1 कट गया, तो i इज इक्वल टू 12%। समझ में आया क्या, ये सब बहुत काम का कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे जो उनके लिए एकदम नया है उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप खाली देख के नहीं सीख सकते मेनी टाइम्स। ओवर, आइए नेक्स्ट पॉइंट बताइए मेरे को, कितना 9 नंबर है कि 8 नंबर है, 9 नंबर। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होने वाले हैं, ये कैलकुलेशन है सोचो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेकर। एक्चुअली इन शॉर्ट आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाले हैं जो आप लोग इंटर में पढ़ के आते हो, यहां पे किसी भी चैप्टर में इसका नॉलेज यूज करना पड़ता है, किसी भी चैप्टर में बेसिक है आगे का पढ़ाई के लिए, ये बेसिक है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मालूम होना चाहिए, ये तो इंटरेस्ट है। व्हाट इज इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम लोग दो पार्ट से पढ़ते हैं, एक कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड और
फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू पे एन एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब कंपनी ने चला के बात कर लिया है कि मेरे को एक्स्ट्रा क्या देना है आपको, एक्सप्रेस कर लिया मतलब क्लियर मालूम है कि कितना चार्ज देना है, और यहां पे कंपनी हैज एन इंप्लाइड ऑब्लिगेशन, टू पे एन एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब कुछ बात नहीं हुआ है बट फिर भी धर्म बनता है कि हम दें, धर्म 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 बनता है, फर्ज, धर्म माने फर्ज, धर्म माने मैं कोई जाति पाति का बात नहीं कर रहा हूं, वाद विवाद मत खड़ा करिए, धर्म माने फर्ज, ठीक। अब ऐसा कहां पे होता है कि आपको फिक्स्ड ऑब्लिगेशन देना पड़ता है, वो होता है जनरली डेट के केस में और प्रेफरेंस शेयर के केस में, डेट और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, एक्सप्रेस रहता है कि इतना एक्स्ट्रा चार्ज कंपनी को देना है। प्रेफरेंस शेयर में भी प्रेफरेंस डिविडेंड प्री डिसाइडेड होता है। इक्विटी के केस में इंप्लाइड ऑब्लिगेशन रहता है हमेशा, इक्विटी शेयर्स के साथ कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा कि इतना डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, कमिटेड नहीं है बट फिर भी फर्ज बनता है कि हम दें, इंप्लाइड ऑब्लिगेशन माने फर्ज बनता है कि आपको देना है, ठीक है। इसका एक्स्ट्रा चार्ज को आप केडी बुलाते थे, याद है केडी, इसको बुलाते थे केपी, इसको बुलाते थे केई, और एक कंपनी का कैपिटल में हर सोर्स से पैसा हो सकता है, तो तीनों मिला के बनता था WACC, याद है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको आप बुलाते हो फिर KO, WACC KO। KO वेटेड एवरेज, नॉट सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। दूसरा बात एक और ध्यान रखिए, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो दो तरह से सोचा जाता है, कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब कुछ बच्चे ऐसे सोच लेते हैं एक्सप्लिसिट माने एक्सप्रेस्ड, इम्प्लिसिट माने इम्प्लाइड, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्सप्लिसिट माने कि दैट विल बी अ मैंडेटरी आउटफ्लो दैट यू नीड टू मेक, बी इट टू इक्विटी शेयर और टू डिबेंचर्स टू और टू प्रेफरेंस शेयर, ये देना पड़ेगा, इट इज एन आउटफ्लो। एक्सप्लिसिट मीन्स इट विल बी अ कंपल्सरी आउटफ्लो टू द कंपनी, देना ही है आपको। वही इम्प्लिसिट माने, इम्प्लिसिट माने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे सोचिए हमने बाजार से फंड लिया, फंड ऑब्टेंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम अ बैंक, ओके। तो ये 12% एक्सप्लिसिट है, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया आपका 12%, ये तो देना ही होगा,
इट इज इक्वल टू मिनिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट टू बी पेड टू आउटसाइडर्स. फंड ऑब्टेन्ड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम अ बैंक. गॉट इट? तो मिनिमम एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको बियर करना है वो आपको मालूम है. इज इट फाइन? मतलब ये हमें समझा रहा है कि इस फंड से कोई भी काम करो तो उसमें 12% तो आना ही चाहिए, वरना तो आपका बिजनेस लॉस में. ठीक. नाउ देयर इज अ प्रोजेक्ट विच कैन बी डन. प्रोजेक्ट का नाम है, सोचो, प्रोजेक्ट ए विच कैन बी डन फ्रॉम द फंड There is a project A which can be done from the fund and can earn 15%. ठीक. So what is the explicit cost of capital for the project? हाँ, फॉर द प्रोजेक्ट ए 12% जो देना है इसके पीछे. प्रोजेक्ट से जो आ रहा है वो एक्सप्लिसिट नहीं है, प्रोजेक्ट से जो आ रहा है वो रिटर्न है, इसके पीछे जो देना है वो 12% देना है. ओके. एक और लिख रहे हैं, देयर इज ऑल्सो अ प्रोजेक्ट बी There's also a project B what is the explicit and implicit cost of capital for project B There's also a project B. What is the explicit and implicit cost of capital for project B? Explicit तो 12 ही है, उस रुपये से जो भी कर लीजिए 12% ही देना है. Implicit क्या हुआ? Opportunity cost of capital. अब ये arise कर रहा है. Correct. कितना percent है बोलिए? Project B जब करोगे तो A नहीं कर पाओगे. इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट या रिटर्न दैट कैन बी अर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट ए दैट कैन बी अर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट ए. तो बी तभी वर्थ वाइल है जब वो 15% से ज्यादा कमा रहा है. करेक्ट. तो मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट बी क्या होगा? मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट बी क्या होगा? 15% होगा. अगर 15 से नीचे आ रहा है बी में तो क्या होगा? 14 आ रहा है तो प्रोजेक्ट बी करना चाहिए क्या? नहीं. तो नुकसान हो रहा है क्या? हाँ. कैसे नुकसान हो रहा है? उसके जगह ए करते तो 1% ज्यादा आता. अभी समझ में आ रहा है इम्प्लिसिट का मतलब? अच्छा, इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर समय मौजूद है ऐसा नहीं सोचना. इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब अराइज कर रहा है? जब आपके पास आपका कैपिटल को यूज करने का ऑल्टरनेटिव वे है, साधन है. मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं पैसे लेके आया यहीं डालना चाहता हूं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही. और मेरे पास अगर वो रुपए को यूज करने का मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है और जिसमें 10% आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें 13 आ रहा है, 10, 12, 13. अब आप बोलते हैं मुझे इस प्रोजेक्ट में दे दो, कोई दूसरा प्रोजेक्ट में, चौथा प्रोजेक्ट में दे दो, तो वहां से मेरे को मिनिमम कितना चाहिए? यहां से 10 आ रहा था, यहां से 12 आ रहा था, यहां से 13 आ रहा था, मिनिमम मेरे को 13 चाहिए. मतलब आइडिया ये है कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमें क्या पता चलता है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्डल रेट. हर्डल रेट, HURDLE, हर्डल रेट.
और मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, हर्डल रेट है, और मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज हर्डल रेट और मिनिमम डिजायर्ड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, एंड दिस शुड बी व्हाट ऑलवेज हायर ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. जैसे एक्सप्लिसिट में 8%, इम्प्लिसिट में 15%, तो मिनिमम हमें कितना चाहिए, 15 चाहिए. समझ गए क्या? तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही ब्याज है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही एक तरह से इंटरेस्ट है. बिना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाने हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हम पैसे कहां लगाएं. करेक्ट, तो एक तरह से इंटरेस्ट पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन बना हुआ है. अब इसके ऊपर और भी कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा अगला दिन. ओके, कुछ कैलकुलेशंस है और भी, वो इसके ऊपर सिखाया जाएगा. आज यहीं पे रुक जाते हैं. इसका ये जो